ब्लॉक के मल्लभ गांव में एक प्राथमिक विद्यालय पाया हूँ, जहाँ पे आज विद्यालय खुला है, बच्चे भी आए हैं। यहाँ पे बच्चों के आने से यहाँ के अध्यापकों को क्या महसूस हो रहा है, थोड़ा इनके बारे में जानने के लिए आइए बात करते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य से। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं बुंदू राम, प्रधानाध्यापक कंपोई प्राथमिक विद्यालय मगर शिक्षा क्षेत्र नगरा जनपद बदिया से। सर आपके विद्यालय में बच्चे आए हैं और लंबे डेढ़ साल के अंतराल के बाद विद्यालय खुला है, तो अभी सर आपको कैसा लग रहा है? विद्यालय पे बच्चे आए हैं तो आपको कैसी मतलब फीलिंग हो रही है? बच्चों को पा करके बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी के आधार यही है, ये हमारी खेती है। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के कि आज हम काफ़ी बच्चों से जायज़ा लिया गया, तो बच्चे काफ़ी खुशी हुए। खुशी की वजह पूछा गया, बताया कि हम लोग आप लोगों से मिल करके मिले, हम लोग को बहुत खुशी। सर विद्यालय खुला, आपके यहाँ व्यवस्थाएँ क्या थी, जैसे विद्यालय बच्चों के आने से आपकी व्यवस्था, तो वो उस पर क्या व्यवस्था है? बच्चों को मास्क दिया गया, कुछ बच्चे मास्क लेकर के आए, बच्चों को हाथ को सैनिटाइज किया करवाया गया, एमडीएम खाने के पहले बच्चों को हाथ को हैंड वॉश कराया गया, मेनू में तहरी और दूध दिया गया। उसके बाद बच्चे लंच में खेले कूदे, खेल कूद करके बहुत प्रसन्न थे। और सर ये एक चीज़ और था कि जैसे सरकार का एक नियम था कि 31 अगस्त तक सारे अध्यापकों का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बच्चों को भी देख के चलना था, तो क्या यहाँ के सारे अध्यापकों का वैक्सीनेशन हो गया? मेरे समस्त स्टाफ का वैक्सीनेशन हो गया। आइए बात करते हैं, यहाँ के महिला अध्यापक भी हैं, अध्यापिका, उनसे भी बात करते हैं। मैं आपका शुभ नाम बता दें। मीना जी आपको कैसा लग रहा है, आज बच्चे आए हैं आपके विद्यालय में, कुछ आपकी भावनाएं क्या हैं बच्चों के प्रति, और बच्चों को आने से आपके मन में कैसी खुशी है? अत्यधिक खुशी है कि बच्चे स्कूल आ गए हैं और फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। छुट्टी मतलब कि विद्यालय बंद होने से बच्चे काफ़ी हद तक पढ़ना मतलब भूल चुके हैं। आपका वैक्सीनेशन है? आपका नाम क्या है? ममता जी ये बताया कि विद्यालय आज खुला है, तो विद्यालय खुलने के बाद बच्चों को आप शिक्षा भी देती थी, डेढ़ साल हो गए, डेढ़ साल से बच्चे नहीं आए, तो वो जो लगाव बच्चों के साथ हुआ था वो लगाव अभी है या धीरे धीरे फिर बढ़ाना पड़ेगा? आपका वैक्सीनेशन हुआ ना? आइए बात करते हैं यहाँ की महिला कौन की जो है। मैम अपना नाम बता दें। श्वेता चौधरी, सहायक अध्यापक, कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय। मैम यहाँ पे जो बच्चे आए हैं